जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं,
बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं, यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और
मास्क लगाना इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं, मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों उद्देश्य संबोधन करिसंति, मास्क पिंधिबा निहाते आवश्यक, सामाजिक दूरता एवं हाथ धोइबा आज मध्य जरूरी, जेपर्यंत वैक्सीन न आसी से पर्यंत आमको सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करने पड़ प्रधानमंत्री सारा देशवासियों यह हो संबोधन। तेज बड़ कथा कि कोरोना महामारी समय देशवासियों आज पुणि थे संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेज एवं धीरे धीरे आर्थिक गति बढ़िबारे लगी, देश में तालाबंद चली जाए, कोरोना भूताणु एपर्यंत जाना देश में सुस्थ हार बढ़ी किंतु मृत्यु हार कमी। यार भितर कि लोक सतर्क करने छाड़ सारे किंतु एपरी करिबा बिल्कुल उचित नुहे, समस्त को सतर्क रहा जरूरी, जेपर्यंत वैक्सीन न आसी से पर्यंत आमको सतर्क रही पड़े। वर्तमान धीरे धीरे आर्थिक गति बढ़ुची, तालाबंद चली जाए, कोरोना भूताणु चली जाए ना, कोरोना टीकापी भारत में लगातार प्रयास जारी रही, टीका आसने किपर प्रस्तुत कर समस्त को सतर्क रहा पड़े, सचेतन रहा पड़े। आमेरिका ब्राजिल भाई देश भारतर स्थिति खूब भल रही, देश में टेस्टिंग संख्या क्रमगत भाव में बढ़ी चली, कोरोना चलीगला भाविबा भूल कथा, तेरे आमको आहुरी सतर्क हो रहा पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सारा देशवासियों को एने संबोधन करपरी बिल्कुल करूँ ना, जो मैंने सतर्कता करूना बा जो सब गाइडलाइन रोच करोनार ताको उल्लंघन करमी नक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक देशवासी को संबोधन करतमान समय तालाबंद सरी सारी किंतु कोरोना भूताणु एपर्यंत देश में रोचे, जेपर्यंत वैक्सीन न आसी से पर्यंत आमको सतर्क रहा पड़े। तेरे टेस्टिंग संख्या वर्तमान समय खूब बढ़ी सारी, वैक्सीन न आसवा जाए आमको जो नियम रोचे गाइडलाइन रोचे कोविड्र ताको पालन करिबा निहाती आवश्यक, सामाजिक दूरता बजाय रखिबा, ता सहित बारंबार हाथ को साबुन ने धोइबा एवं मास्क पिंधिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारंबार गुरुत्व देउथिले। आज मध्य देशवासी को संबोधन करिबा उद्देश्य रे एही तीनोटी कथा परे गुरुत्व देइछंती, टीका न आसीबा पर्यंत आमे अवहेला करिबा उचित नुहे, कोरोना टीका पई भारत रे लगातार भाव रे प्रयास जारी रही, टीका आसिले किपर सुवितरण हेबो एने प्रस्तुत करा जाउछि, टीका न आसबा पर्यंत कोनोसी ढिलापण चलिबो नाही, सामाजिक दूरता साबुने हात धोइबा मास्क पिंधिबा ए सबु पालन करिबा पई गुरुत्व दिया जाउछि। मु आपण मानकु सुरक्षित देखिबाकु चाहुंछि, सुस्थ रहंतु, आगकु बढ़ंतु, देशकु आगकु बढ़ांतु, ए हेउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर सारा देशवासींकु संबोधन। देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधन
तेज बड़ कथा हो करोना महामारी समय देशवासियों आज पुणि थे संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनता कर्फ्यू आरंभ कर आज पर्यंत सारा देशवासी लंबा यात्रा कले अनेक असुविधार सम्मुखीन होती किंतु ता सत्वे अनेक लोक करोनार जो गाइडलाइन रोचे जो कटक रोचे मानुंट से हिसाब से निजर जीवनशैली परिवर्तन करछंती पर किछि लोक रोचंती जो माने कि एथिरे अवहेला करुछंती पा खिलाफ करुछंती सेमानंकु प्रधानमंत्री बार्ता देछंती कि करोना चलीगला बोली भाबिबा भूल हेबो किछि लोक सतर्क रखिबा छाडी छाडछंती तेबे एमिती जमा भी करंतु नाही सतर्क रहंतु मास्क पिंधिबा निहाति आवश्यक ता सहित सामाजिक दूरता एवं बारंबार हाथ धोइबा परे गुरुत्व दिया जाउछि प्रति 10 लाख रे भारत रे मृत्यु हार 83 रहिछि तेबे देश में रिकवरी रेट खूब भल रोच देश तुलन में भारत में मृत्युहार कम रोचु वर्तमान समय भारत में टेस्टिंग को प्राधान्य दि जाए टेस्टिंग को बढ़ा दि जाए कि धीरे धीरे संक्रमण मामला कमार लगी बड़ बड़ देश तुलन में भारत स्थित खूब भल रोच कितु आमको आहरी सतर्क रहा पड़ो वर्तमान समय पार्वणर समय आरंभ हो सारी तेरे यार भितर लोक सतर्क रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करते।